सो हेलो गाइस, आज के सिनेरियो में मैं आपको सरस्वती पूजा फोटो एडिटिंग करने को सिखाने वाला हूँ, वो भी पिकास ऐप की मदद से। सो गाइस, आज का हमारा एडिटिंग कुछ इस तरह से रहेगा। तो गाइस, आपको यहाँ से इस तरह से फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना होगा, ताकि आप अच्छे से एडिट कर सके अपने फोटो पर कुछ इस तरह से। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह से मैं फोटो एडिटिंग करने का वीडियो लाते रहता हूँ। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है एंड बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ, जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से अपने बैकग्राउंड को हम शेयर कर लेंगे एंड शेयर कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस बैकग्राउंड को हम पिकआर्ट एप्लीकेशन अंदर ऐड कर लेंगे। एंड ऐड कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस, आपके यहाँ से सिंपली इस साइड फोटो पर क्लिक कर लेना है एंड क्लिक कर लेने के बाद आपको अपने फाइल पे चले जाना है। एंड अपने फाइल पे चले जाने के बाद आपके यहाँ से हम इस PNG को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके इस PNG को हम ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद आपके यहाँ से इस PNG को हम अच्छे से ऊपर की ओर लगा लेंगे कुछ इस तरह से एंड सिंपली यहाँ से हम डन कर लेंगे। एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से हम ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक कर लेने के बाद आपको अपने फाइल पे चले जाना है। एंड अपने फाइल पे चले जाने के बाद आपको अपने मॉडल या अपने फ़ोटो को PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो गैस, मैं अपने मॉडल का बैकग्राउंड को पहले से रिमूव करके रखा हूँ। तो गैस, आपको यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इसके लिए एक मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं, वो भी आपको तो गैस, मैं इस मॉडल का फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद आपके यहाँ से इस मॉडल को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड आपके यहाँ से इस मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है एंड इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस टूल पे आपको क्लिक करना है एंड इस मॉडल को हम मूव टू डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह से। एंड आपको यहाँ से सिंपली डन कर लेना है। एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से हम फिर से ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक कर लेने के बाद आपको अपने फाइल पे फिर से चले जाना है। तो गाइस, अपने फाइल पे आने के बाद आपके यहाँ से कुछ PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, सबसे पहला PNG हमारा ये रहेगा एंड इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस PNG को ऐड कर लेंगे एंड इसका साइज को कुछ इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। देन आपके इसका ओपेसिटी को 89 के आसपास रख लेना है। देन आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे हम एंड क्लिक कर लेने के बाद आपको अपने फाइल पे फिर से हम चले जाएंगे। एंड अपने फाइल पे चले जाने के बाद आपके यहाँ से हम इस PNG को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद आपके यहाँ से इस क्रॉप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको इतना कुछ क्रॉप कर लेना है। देन आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड आपके यहाँ से इस पार्ट को हम कुछ इस तरह से ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेंगे एंड आपका इसका ओपेसिटी को कम कर लेना है। देन आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे एंड आपके यहाँ से कुछ PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं जितना भी PNG यूज़ कर रहा हूँ वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं ये PNG को सेलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद इस PNG को सेलेक्ट कर लूँगा। देन आपके यहाँ से इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद आपके यहाँ से इस PNG को कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे ऊपर की ओर। देन आपके यहाँ से इस PNG को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपके यहाँ से इसका साइज को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से। देन आपके इसका ब्लेंडिंग पे चले जाना है एंड आपके यहाँ से सिंपली स्क्रीन पे कर लेना है एंड उसके बाद आपके इसका ओपेसिटी सेलेक्ट कर लेना है। इसका ओपेसिटी आपको यहाँ से कुछ इस तरह से कम कर लेना है। देन आपके यहाँ से डन कर लेना है। तो गाइस, इतना कुछ हो जाने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को हम लाइट रूम एप्लीकेशन पर ऐड कर लेंगे। तो गाइस, चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन की ओर।
सेव हो जाने के बाद आपके यहाँ से इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन पे ऐड कर लेंगे। एंड लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपके यहाँ से अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना अपने फ़ोन पर। एंड ओपन करने के बाद आपके यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस टेम्परेचर टूल पे हम क्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद आपके यहाँ से मिक्स टूल पे चले जाना है। एंड मिक्स टूल पे चले जाने के बाद आपके यहाँ से ग्रीन कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका ह्यू को हम कुछ इस तरह से माइनस की ओर कर लेंगे। एंड आपके इसका सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद आपके यहाँ से येलो कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका भी हम ह्यू को कुछ इस तरह से माइनस 60 आसपास रख लेंगे। देन आपके यहाँ से सेचुरेशन को हम इंक्रीज कर लेंगे। एंड आपके यहाँ से ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड ऑरेंज कलर का हम सेचुरेशन को माइनस की ओर कर लेंगे। एंड उसके बाद आपके यहाँ से ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है। देन आपके यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड रेड कलर का ह्यू को हम कुछ इस तरह से हम प्लस कर लेंगे 57 के आसपास। एंड इसका सेचुरेशन को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। देन आपके यहाँ से डन कर लेना है। एंड इसका वाइब्रेंस को हम इंक्रीज कर लेंगे। एंड उसके बाद आपके यहाँ से सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेना है। एंड आपके यहाँ से विग्नेट टूल पे चले जाना है। एंड आपके यहाँ से सिंपली विग्नेट को हम कुछ इस तरह से माइनस कर लेंगे। तो गाइस हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।